दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया भूल गवाया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, फकीर चंद, क्या यम सचमुच आता है? मैं आप लोगों को सत्संग देना चाहता हूं, जो मेरी ड्यूटी है। मैंने अपने आप को इस संसार में संत सदगुरु वक्त कहा है, किताबों में लिखा है, पब्लिक नहीं कहता हूं। क्या मैं अपने आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता कि यमपुर आता है? जो मैंने समझा है यम को वो कहता हूं। कोई बाहर से यम नहीं आता, मरते वक्त कोई बाहर से यम नहीं आता है। ठीक। यम कहते हैं खर्च करने को। इंसान के अंतर जिस किस्म के ख्यालात, विश्वास, श्रद्धा या कर्म उसने किए हुए होते हैं, जिस तरह रात के वक्त तुम जिस किस्म के तुम्हारे संस्कार होते हैं, तुम सपना देखते हो, इसी तरह मरते वक्त जिस जिस किस्म के ख्याल इंसान के होते हैं, उसके उसके सामने शक्लें बना के आते हैं। ठीक। अब इसका सबूत मेरे पास, सबूत ये है कि लोग मरते हैं, वो कहते हैं बाबा आया और घोड़ा ले आया, पालकी ले आया, हवाई जहाज ले आया, ये ले आया, और मैं नहीं जाता, मुझे कोई पता नहीं होता। इस एक ख्याल ने मुझको ये यकीन दिया कि जो उसके अंदर फकीर चंद मरते समय प्रकट हुआ, वो ये फकीर चंद तो था नहीं, ना बाबा सावन सिंह था, ना राम था, ना कृष्ण था, ना देवी। वो जिस किस्म का उसका विश्वास था, श्रद्धा था, वो आया। ये मेरा तजुर्बा। अब एक आपको सच्ची बात बताता हूँ। एक सूबेदार हजारी सिंह है, सूबेदार मेजर, वो सिपाही था उस वक्त से, वो मुझे मानता है। बड़ी बड़ी करामातें उसने उसके हिस्से में आई और मुझे कोई पता नहीं। तो वो ये समझता था कि मैं उसकी मदद करता हूं, आप समझ गए ना। एक दफा क्वार्टर मास्टर था उसका, कोर्ट मार्शल हुआ तो मेरा रूप उसके अंदर प्रकट हुआ। वो तो मेरे रूप ने कहा तेरा कोर्ट मार्शल नहीं कुछ कर सकता। उसने मेजर जो था करने वाला उसको कह दिया, बाबे ने मुझे कहा है तू मेरा कोर्ट मार्शल नहीं कर सकता। अब मेजर ने समझा इसका दिमाग खराब है। तो जिस दिन कोर्ट मार्शल हुआ, जिस कागज के इख्तियार पर, जिस कागज के बिना पर उसका कोर्ट मार्शल होना था, वो कागज ही नहीं मिला। उसका ऐसा विश्वास था। तो वो अमृतसर में गया, मैं वो अमृतसर में आया मेरे पास। उसने अपना एक वाक्य सुनाया कि उसके चाचे के गुदा को में फोड़ा था गांव में, तकलीफ बहुत थी। डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा भाई मैं ऑपरेशन कर देता हूं, अगर ये मर गया तो मैं जिम्मेवारी नहीं लेता। उन्होंने कहा तुम ऑपरेशन कर लो। उसने उसका ऑपरेशन कर दिया। वो दो घंटे बेहोश रहा उसका चाचा। जब वो उठा
चाचे को होश आई तो हजारी सिंह को कहता है, हजारी सिंह तेरा बड़ा मुझ पर बड़ा एहसान है, तेरा मुझ पर बड़ा एहसान है। उन्हें क्या क्या एहसान मैंने किया? उन्हें कहा दो आदमी आए मेरी रूह को अपने हाथ में रख के आसमान पर उड़ गए। आगे एक जगह बहुत सी रूहें पड़ी थी, वहां उसने उनको रख दिया। तो एक औरत काले रंग की थी, जुबान उसकी आग निकलती थी, वो रूहों को खाती जाती थी। तो मैं डरा, मैंने उनको कहा भाई मैंने इसने खा तो लेना है, मुझे एक आदमी से मिला दो। उन्होंने कहा किसको? अखे हजारी सिंह को। हजारी सिंह अखे तुम आ गयो, तुम आ गयो, मैं आप लोगों को सत्संग दे रहा हूँ, 92 साल का बूढ़ा हूँ, मेरी उम्र पर का ख्याल करते हुए मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो उसने कहा आप आगे, मैंने कहा बाबे नु कहो वो जानदा थी ना मेरा प्रेमी है, बाबे नु कहो मैंने उसे बचा दे। अच्छा। वो कहना हजारी सिंह तू चला गया, बाबा आ गया, मैं चला गया। वो कहना मैं उसमें पकड़िया उसमें रू नु उसमें क्या जा अपने घर नु, तो उसमें क्या भी तू नहीं खा सकती है, मेरा जीव है। मैं उसमें पूछा मैं क्या मैं तो गया नहीं, मैं क्या हजारी सिंह तू गया तेन पता है? अके नहीं। मैं क्या बेवकूफ, जिस तरह तू नहीं उसके अंदर गया इस तरह मैं तेरे अंदर नहीं जाता। ठीक। उसमें मैं समझाया उसका ज्ञान नहीं जाता था। मैंने कहा जिस तरह तू उसके अंदर नहीं गया इस तरह से मैं भी नहीं गया। चूंकि वो तुम्हारे साथ प्रेम करता था, उसको पता था कि तुमने मेरी सिफ्त उसके सामने की हुई थी और जो उसके गंदे कर्म से सुना हुआ था उसने उसको बता दिया, उसने उसके सामने वो रूम खाने वाली दिखा दी और वो औरत दिखा दी रूम खाने वाली, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रेम था इस वजह से उसने तुम्हारे ही प्रेम ने उसके प्रेम ने तुमको और मुझको प्रकट कर दिया। मेरे ख्याल में जो कुछ मैंने कहा आपने समझ लिया? हाँ जी ठीक है। डॉक्टर साहब हैं यहाँ, सुन रहे हो? अच्छा। तो वो कबीर कहता है कि एक दिन तूने चले जाना बंदे, तनु यमराज आके ले जाऊगा, यमराज ने आ जाना। कबीर का यमराज को होगा मैनू नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं यमराज किसनु समझना? तुम्हारा मन ही यमराज है, तुम्हारा मन ही धर्मराज है। अगर तुम्हारे कम नेक नेक बंदे हो तुम, तुम्हारा किसी से विश्वास है, देवी आ गई, गुरु आ गया, राम आ गया, कृष्ण आ गया, तो तुम यमराज को बच जाओगे। यमराज कहने वो ख्यालात जो तुमको तकलीफ देते हैं, धर्मराज वो ख्यालात मरते समय जो तुम्हारे लिए तुमको सुख देते हैं। इस वास्ते गुरु का भगत, राम का भगत, कृष्ण का भगत, देवी का भगत, बशर्ते कि वो किसी एक का हो, उस वो नरक में नहीं जा सकता। वाणी में लिखा है बुरे से बुरा भगत भी गुरु भगत नरक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जब वो मरेगा, मरने लगेगा, उसका विश्वास होगा या देवी पर या किसी पर, तो वो जो जिस पर उसका विश्वास है उसका रूप उसके सामने आएगा। क्योंकि उसका रूप उसके सामने आएगा, वो जो अनेक प्रकार के ख्यालात उसके गंदे मंदे हैं वो नहीं आएंगे। तो इस यमराज से कौन बचाता है? गुरु की भक्ति, संत मत के मुताबिक। इस यमराज से हिंदुओं के मुताबिक कौन बताता है? जिसका तुम इष्ट धारण किए हुए। अगर तुम देवी के भगत हो तो देवी तुमको बचाएगी यमराज से, अगर कृष्ण के भगत हो कृष्ण बचाएगा यमराज से, मरते समय गाय देती हो गाय भी तुमको बचाएगी यमराज से। क्यों? कि तुम्हारा जो ख्याल है
वो अनेक किस्म के खैरात को छोड़कर, नहीं समझ में आती है, जिसका उसने इश्क रखा हुआ वो मूर्त उसके सामने आ जाएगी, तो उसके मन में वो मूर्त रहेगी, जो अनेक प्रकार के विचार हैं वो नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में मैंने आपको समझाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। ठीक है, समझते। इस वास्ते मैं कहा करता हूँ कि एक के होके रहो, एक के होके रहो, एक का इश्क रखो, एक रूप उसका बनाओ, उसका कोई रूप नहीं, सब रूप उसके, नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, तेरी है सब प्रजा तेरे और भूप तेरे, धरा संत अवतार जग को चिताया, दुखी जीव को अंग अपने जगाया। गुरु का काम चिताना है, चिताना मैंने किसी को सच्ची बात बता के उसको खबरदार कर देना। आप समझ गए मेरी बात को, परोस करी को। अरे दिल वाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। चेत कर भाई, आगे सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया भूल गवाया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुम अपनी आत्मा से पूछो, तुमको पता है तुम क्या सौदा करके क्या सौदा करने आई थी? हम जब माँ के पेट में आते हैं, हम क्या चाहते हैं? बच्चा जब पेट में आ जाता है तो वो क्या चाहता है? जब उसके हाथ पांव बन जाते हैं, वो अपनी कैद से, बंदिश से निकलना चाहता है। बच्चा माँ के पेट में है, जब वो 9 महीने का हो जाएगा, कोई औरत की ताकत नहीं है कहे कि बच्चे को बाहर ना निकाले। वो जो उसके अंदर में है, वो उस अपनी जो कैद में है उससे निकलना चाहता है, आजादी चाहता है। मगर हम क्या करते हैं? अगर उस कैद से बचे, माँ की पेट की कैद से, ये स्वाभाविक गुण है, तो फिर हमने क्या किया? और उसकी कैद में आ गए, बच्चे की कैद में आ गए, दौर की कैद में आ गए, धर्म की कैद में आ गए, गुरु की कैद में आ गए, राम की कैद में आ गए, कृष्ण की कैद में आ गए, ईश्वर की कैद में आ गए, परमात्मा की कैद में आ गए। नहीं समझ में आया? गुरु का क्या काम है? वो जीव को किसी बंधन से छुड़ा देता है। अब आप समझ गए मेरी बात को। स्वामी जी की वाणी है, बंधे तुम गहरे बंधन आन, एक बंधन तो पड़ा देह का दूजर तिरिया जान, तीसरा बंधन हट हवेली, चौथा नाती जान, नाती के फिर नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। समझे मेरा मतलब? नहीं, एक लड़ दो लड़ तीन लड़ रसी, गहरे खूटे गड़े निदान, मरे बेदम छूटो ना ही जीते जी तुम सुनो न कान। समझे न? राधा स्वामी कहक बजाई, तुम हो सबसे बड़े बेईमान, ये लफ्ज है उनके। तो हम किस लिए आए थे? हम क्या चाहते हैं? बंधन से निर्बंध होना। तो बंधन एक किस्म का कोई नहीं, माँ के पेट में बंधन था, जीव चाहता था मैं उस कैद से निकलूं, मगर हम एक कैद से निकल के दूसरे अनेक कैदों में आ जाते हैं। अच्छा, किसी ने दुनिया छोड़ दी, वो गुरु बन गया, मानवता मंदिर बना दिया, चेले बना लिए, वो पुत्रों का बंधन छूटा तो चेलों का बंधन पड़ गया, घर का बंधन छूटा तो डेरे का या मानवता मंदिर का बंधन आ गया। नहीं समझ में मेरी आती है? तुम मेरा क्या मतलब है? तो संत मत की तालीम क्या है? संत मत
किस लिए दुनिया में आया? जीव को बंदरों से छुड़ाने के लिए। मगर बंदरों को छुड़ाने के लिए कौन आता है संत के पास? मैं आया तुम्हारे वहां, किसी ने अपना दुखड़ा लिया, मेरा पुत्र शराब पींदा है, किसी ने किया मेरा खसम मन तंग करता है, कोई कहता मेरे को पैसा है नहीं, कोई कहता मेरे पढ़ाना दुश्मनी है, कोई कहता मैं नफराना है, कोई कहता मैं नफराना। ये जो कुछ तुम्हारे साथ या हमारे साथ होता है, किसी को पति अच्छा मिल जाता है, किसी को किसी का लड़की बदमाश हो जाती है, किसी का लड़का बदमाश हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, वो है क्या? वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का संस्कार है। बंदर में फंसे हुए थे, वही बंदर हमारे सामने। इस वास्ते संतों के मार्ग में पहले बहुत से बंदरों को छुड़ाने के लिए एक बंदन करो, किसका? गुरु का। और वो भी किस गुरु का? जो खुद निर्बंध है। यहाँ तो जिप एक पत्थर उठाओ दो सौ गुरु निकलता है। तुम समझते मेरी बात को कि नहीं? बंधे को बंधा मेरे छूटे कौन उपाय? कर बंधन निर्बंध, कर संगत निर्बंध की, जो पल में छुड़ाए। समझ गए मेरी बात को? ये मैं बात साफ यानी क्यों करता हूँ? मैं एक जिम्मेवारी महसूस करता हूँ। अब वही हरि सिंह सूबेदार, जब तक उसको ये मैंने राज उसकी समझ में नहीं आया, वो समझता था मैं उसकी मदद करता हूँ। वो समझता था कि मैं उसकी मदद करता हूँ। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे मिलने वालों, मैं तुम लोगों को बिल्कुल धोखा नहीं देता। ये हरि सिंह के साथ कई वाक्यात गुजरे। एक वाक्यात ये गुजरा कि ये जा रहा था मद्रास से आगे कहीं ट्रिप पर, पीछे फैमिली थी, आगे एक ट्रक था। तो ये मुझे कहता है, आप प्रगट हुए, आपने कहा खतरा है, मैं तुमको बचा लूंगा। पीछे से देखा इसने जो ड्राइवर आ रहा था, वो ड्राइवर पीछे औरतें बैठी हुई थी, मुड़ मुड़ के औरतों की तरफ देखता था, तो इसको गुस्सा आता था। इत्तेफाक से इसकी जो अपनी कार थी, ये दो पलटे खा के नीचे कीचड़ में गिर गई। इसके नीचे इसका बच्चा आया, उसके ऊपर मैं आया, ये आया। पिछली कार ने, मिलिट्री वालों ने इनको उठाया, इसको उठा के अस्पताल ले गए। रात के 12 बजे वो कहता है इसकी चार पसलियां टूट गईं। कहता 12 बजे रात को बाबा तू आया, मुझे दबाया, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, मुझे कुछ हराम आया, तो फिर आपने कहा अब मैं जाता हूँ, ये दूसरे बाकी के जाग पड़ेंगे, अब तू ठीक हो जाएगा। फिर वो कहता है इसकी औरत भी भक्तनी थी मेरी, प्रेमन थी, वो तीसरी मंदिर पर बैठी हुई थी, तो फोटो मेरी रखी हुई, आगे उसके फूल रखे हुए, सवार पैर रखा हुआ, मथा देखे मेरा पति राजी हो जाए, मेरा पति को कुछ ना हो। वो कह उसने कहा, उसकी औरत ने देखा कि मैं वो जो ऊपर का होता है रोशनदान, उसमें से उतर के उसके पास आया, उसको कहता हूँ तेरे पति को मैं देख आया हूँ, राजी हो जाएगी। अब उसने मुझे बताया, अब मैं तो गया नहीं। वो कौन था? वो उसका अपना ही विश्वास था, अपना ही मन था, अपना ही उसका अपना मन था। ठीक है, तो जब से मैंने उसको ये बात बताई उसके चाचे की, अब आज 6 साल हो गए, 6 साल में उसने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी। 6 साल में उसने चिट्ठी नहीं मुझको लिखी। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर मैं पर्दा रखता तो आज मैं करोड़ों रुपए का मालिक होता, जितना मर्जी चाहे रुपया खा जाता। नहीं समझ में मेरी बात आपको आती है कि नहीं आती है? हमको तुमको जो कुछ इस दुनिया में मिलता है, ये हमारा अपना ही कर्म है। मैंने तुमको बोला किसी का लड़का नालायक है, किसी की लड़की की नालायक है, किसी की औरत बदमाश है, कोई आदमी खराब है, किसी को घाटा पड़ गया, ये है क्या? ये हमारा अपना ही कर्म है। जैसा
कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना, ये स्वामी जी की वाणी है। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। मैंने संतन साधनों को देखा, इनको भी तकलीफें हुई, नहीं समझ में आती है। आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, मैं अपनी एक फर्ज समझता हूँ। यहाँ गया, $250 $300 तो इन्होंने पाउंड तो इन्होंने दिए, केशवनाथ ने 250 में 50 उन्होंने, आप लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 रुपए दिए आप लोगों ने दिए। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, फकीर चंद मर जाएगा अगर इन तुम्हारा दिया हूं मैं पैसा खा जाऊं, क्योंकि आप लोग अज्ञानी हैं। आपको अंधेरे में रखकर कि हाँ मैं गया था तुम्हारे अंदर, ये हो गया ये हो गया, अगर ऐसी बातें बताकर मैं आपसे पैसा लेके आप खा जाऊं, मैं मुजरिम हूं, मैं पतित हूं। हुक्म है, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे। ठीक, आप समझ गए मेरी बात को। मैं हूँ वक्त का संत सतगुरु अवतार, आया ही इसी वास्ते हूँ, मेरे ग्रह ऐसे हैं, मेरे हाथ की लकीरें ऐसी हैं, मेरे ग्रह ऐसे हैं, दाता ने मेरे मतलब बहुत कुछ लिखा, जोशी भी ये कहते हैं, और मेरे जमे हुक्म है तालीम को बदल जाना। क्यों? तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देशा, तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी। अब अगर कोई शख्स हमेशा के लिए इस संसार से बचना चाहता है, मुझको ये कहते हैं क्या नाम पंडित जी कि आप हमको अभ्यास के मुताबिक बताइए, आप समझते मेरी बात को, तो आज अभ्यास के मुताबिक कहता हूँ। कभी एक साहब का दूसरा शब्द पढ़ो, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है, प्यारा है पढ़ो। ये जो अभ्यास है ये शर्मा साहब किसको मिलता है सुनो, कबीर क्या कहता है पढ़ो। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ बिसारो, शील संतोष से मा सत धारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है। जब तक ये शर्तें कोई पूरी नहीं करता, तुम लाख सुबह से शाम तक अभ्यास करते रहो, कहाँ जाओगे? तुम भी शिकायत कर दी थी ना, रात तू नहीं हमारे घर में गया, हमें वक्त नहीं मिलता, हमारा अभ्यास नहीं बनता। अरे बने कहाँ से अभ्यास? किस काम कैसे बने तुम्हारा? अभ्यास के बनने की शर्तें हैं, पढ़ो क्या शर्तें। काम क्रोध मद लोभ बिसारो, शील संतोष से मा सत धारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है। मैंने आपको बोला कि मैंने 1905 में नाम लिया, 1916 तक न मेरे अंदर प्रकाश खुला और न खुला शब्द, सिवाय रोने के या प्रार्थना करने के गुरु के आगे अपने अंतर में, और मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा 13 वर्ष की उम्र में तो शादी हुई, 16.5 में मैं गृहस्थ में फंसा। आप समझते मेरी बात को कि नहीं? तो मैं छोटी उम्र का टूटा हुआ आदमी था, तो जब 12 साल बसरे बगदाद में चला गया, वहाँ औरत पास नहीं थी,
मन से और शरीर से पवित्र रहा। यहाँ तक डरता था कि मैंने 12 साल में बगदाद शहर नहीं गया और बसरा शहर नहीं देखा। क्यों? जवानी की उम्र थी, वहां सुंदरताई बहुत थी। तुम समझते मेरी बात को नहीं? तो डरता था कि कहीं मेरा मन ना फिसल जाए। जब सत्संगी लोग जाते तो दो कट्ठे जाते, वो दो ताके वो ना हो, क्या नाम है, ये दो कट्ठे जाए बाजार सौदा ले आते थे। तो उस 12 साल में जो मैं वहां रहा, मेरा सारा अभ्यास बन गया। मगर जब मैं घर में आया 12 साल के बाद, दादा दादी ने कहा औलाद पैदा करो। जो तो मैं औलाद के लिए और उसके पास जाता, फिर तो कोई पाप नहीं था। तुम समझते ना, बानी बाजे वक्त रोचक होती है। दुनिया में किसी शख्स ने ना काम को मारा, ना क्रोध को मारा, ना लोभ को मारा, ना मोह को मारा, ना अहंकार को मारा। ये सब जो कुछ है रोचक बानी, जिसका काम बिल्कुल मर गया, और हिजड़ा हो गया, ताली बजाना जानता है, वो क्या जानता है। जिसमें क्रोध नहीं है, जो उठेगा उसको ठोकर मारेगा। तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है, तुम रोटी नहीं कमा सकते आनस मीन से, तुम खाओगे कहां से। तुम्हारे अंदर मोह नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। इसका ये मतलब है कि बेफायदा और नाजायज ना काम भोगा जाए, ना नाजायज लोभ किया जाए, ना बेफायदा किसी के साथ झगड़ा किया जाए। नहीं समझ में आती है मैंने क्या समझा? क्योंकि मेरे समय ड्यूटी सी दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने देखा कि इन महात्माओं का क्रोध नहीं गया। तुम मेरी बात को सोचना, मैंने क्या कहा है आपको। हजूर बाबा सावन सिंह जब सत्संगियों को तंग करते, उनको सोटी मार देते थे, तो क्या उनको क्रोध नहीं आता था? उन्होंने डेरा बनाया, अपने पोते को दे गए, क्या उनमें अपने बच्चों से मोह नहीं था? उनको छोड़ो, राधा स्वामी जाल बताते खुद थे। जब चोरा छोड़ने लगे, कहते मैं सतलोक जा रहा हूँ, राय साहब चेलों को बनाया, जिस तरह से मुझे पूछते थे इस तरह मेरी औरत को पूछना, क्या उन्होंने औरत का ख्याल नहीं किया? तुम कहोगे वो गलती पर नहीं, दुनिया में रहते हुए काम भी रहे, क्रोध भी रहे, लोभ भी रहे, मोह भी रहे, अहंकार भी रहे, मगर नाजायज ना हो। मेरे भाव को आपने समझा ना, मैं क्या तालीम देना चाहता हूँ? मैं ये तालीम नहीं देता। तुम गृहस्थी हो, मैं तुमको कहता हूँ हम गुरुओं के आगे मत लुटो। तुमने मेरा क्या देखा? मैं चोर हूँ कि डाकू हूँ, मैं क्यों आया हूँ? आप क्या जानते? आपने मेरा क्या देखा? 10 आदमी को कह दिया कि हाँ बाबा मेरे अंदर प्रकट हो गया, बाबा बारा करने वाला है, तो आपने बाबे को संत समझ लिया। जिसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो संत नहीं है, जिसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो संत नहीं है। तुम अपने आप को देखो, रात को सपने में तुम्हारी औरत तुम्हारे सामने आ जाती है, सुबह उससे पूछो सपने में तुम्हारे अंदर गई थी? तुम्हारा लड़का सपने में तुम्हारे अंदर सपने में आ जाता है, सुबह पूछो उस लड़के को तू सपने में गया था? किसलिए बेवकूफ बन के लुटे जाते हो? क्यों? मैं इसी वास्ते इस दुनिया में आया हूं अवतार लेकर कि सच्चाई संत मत की बता जाऊं। गुरु जहां भी सत्संग मिलता है सुनो, जो बात अच्छी लगती है उसको कबूल करो, जो बात अच्छी लगती है उसको कबूल करो। बाकी रहा ये देना लेना, तुम जिस श्रद्धा से
किसी बदमाश को भी दे दो, वो खाए शराब ही पी ले, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से नेक नीयत दिया है, तुमको उसका फल मिल जाएगा। अब मेरे भाव को आपने समझा मैंने क्या कहा है आपको? तो शर्त पहले क्या है, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसके मैंने ये नहीं कि औरतों को जवाब दे दो, इसके मैंने ये नहीं कि पुत्रों से मोह न करो, सिर्फ उनमें फंसो नहीं। आप समझ गए मेरी बात को कि नहीं? औरत औरत की जगह, भाई भाई की जगह, माँ माँ की जगह, बाप बाप की जगह, अपना धर्म पालो। कबीर ने सब कहा है, दया धार धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, सतनाम ताही को मेरे कहे कबीर अविनाशी, सहे को शब्द बात को त्यागे, छोड़े मान घुमाना, सतनाम ताही को मेरे कहे कबीर सुधाना। तो ये है गृहस्थियों के लिए, अब समझ गए मेरी बात को? तो जब तक ये शर्तें किसी की पूरी नहीं हुई तो मैं अभ्यास नहीं, मेरा अभ्यास नहीं बनता था। बसने बगदाद में बना, उस वक्त ही मेरी फोटो देखो तुम, लोग देख के मंदिर में लगे देख के हैरान हो जाएंगे। जब मैं घर में फंसा, जो तो मैं औरत के पास सिर्फ अपने संतान के लिए जाता, कोई पाप नहीं, संतान नहीं है, स्त्री पुरुष मेल खाते हैं संतान के लिए, तो कोई पाप नहीं। अब अगर मुझसे पूछा जाए, सच्ची बात कहूं, दुनिया मानने को तैयार नहीं, गलतियां मैंने भी खाई। संतान को जो संतान के ख्याल से नहीं पैदा करते वो पापी है। हमने शराब पी हुई है, मस्ती में आए हुए हैं, बच्चा पेश में आ जाता है, क्या पता है कि वो बच्चा डाकू बनेगा कि चोर बनेगा कि कैंसर से मरेगा कि टीबी से मरेगा या उसको क्या होगा? तो हम जब ऐसी औलाद पैदा करते हैं, क्या हम समझदार हैं? क्या हम जिम्मेवार नहीं हैं? मैं अमेरिका में गया, वहाँ एक अमेरिकन आया, उन्होंने स्टैटिस्टिक लिए हैं, स्टैटिस्टिक जानते हो ना, यानी वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यानी संख्या दी है। हाँ, संख्या दी है कि जितने आदमी उन्हीं चोर डाकू पकड़े गए जिनको कैद हुई, उनकी माओ से पूछा गया कि तुमने इसको पैदा किया, वो कहने हमने पैदा नहीं किया, जबरदस्ती आ गया हमारे पेट में। ये उन्होंने स्टैटिस्टिक लिए हैं अमेरिका वालों ने, एक अमेरिकन ने मुझे, मैं वहाँ लेक्चर दे रहा था तो उसने मुझे कहा कि आप जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, अगर हमारी औलाद आज नालायक है तो मैं ये कहूँगा कि हम नालायक। मैंने एक लड़का सिर्फ इस ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक औलाद के ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक ये मौका नहीं आया कि मैं उसको थप्पड़ क्या मारना वे कहूँ। अब वो 48 साल का है, कभी मेरे सामने नहीं हुआ, बात करता है मेरे सामने, आंख से आंख मिला के बात नहीं करता, सिर नीवा करके करता है। आप समझ रहे हो? एक लड़की मेरे पहले पैदा हुई, मैं मजबूत दुनिया का आदमी था, तो मैंने दाता को भी देखा, मैंने कहा मेरे ऐसी औलाद हो जो न कामी हो, न क्रोधी हो, न लोभी हो, न मोही हो, न माँ, जैसे ऐसी किताबों में लिखा हुआ ऐसी बातें हम सुना करते थे। नतीजा उसे कहने के लड़की हुई, खामद ने उसको बसाया नहीं, नीम उन्मत है, पाई जाता है सुर तो ये कपड़े ले ले, पैसे ले ले, मेरे पास बचे हैं पदम मैंने लेने। मुंह का ये हाल है, उसकी माँ मर गई, जब अपना खून का आदमी आता, अपना खून का आदमी बिरादरी का जो खून का था, तब तो वो स्यापे में खड़ी हो जाती, अगर कोई दूसरा आदमी आता होर स्यापा कर, मैं उन्हें पूछा सुर तो क्यों नहीं जानी, रह अब बाहर रहा मैं तो कानून रोना, माँ मर गई ता क्या मैं भी नहीं मर जाना, सारे ने मर जाना। अब मेरी बात को समझे इस गाल को, देखो मैं ये भाषण अपने घर का मुंह काला करके तुम लोगों को देना चाहता हूँ,
मेरी एक लड़की है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की औरत है, पढ़ी लिखी है, स्कूल में मास्टर भी रही है। जब माँ उसे कोई बात कहती तो वो उसको जवाब देती। उसके कोई बात कह देती उसको अपोज कर जाती। तो मेरी औरत ने कई दफा मुझको कहा कि तुम लोगों को उपदेश करते, लड़की को उपदेश नहीं करते। वो लड़की मेरे पास आई एक दिन, मैंने कहा बेटी माँ शिकायत करती है, क्या हो गया तुमको? वो रो पड़ी, कह रही पिताजी कभी मेरी कोई शिकायत सुनी? मैंने कहा जी नहीं नहीं सुनी। कहने की पता नहीं मुझे क्या हो जाता, माँ कुछ कह दिया मेरे मुंह को निकल जाता। अब वो क्यों ऐसा करती थी? मैं आप लोगों को सत्संग दे रहा हूं, मेरे औलाद थी ना, मैं चाहता था औलाद ना मेरी औलाद चाहती थी। मैं कामी हुआ, आध घंटा तक मैं अपने मन के साथ लड़ता रहा, आखिर मन ने मुझे काबू कर लिया, लड़की पेट में आ गई। मुझे याद है पहले 2 महीने मेरी औरत ने दवाई खाई के अभाषण हो जाए, हुआ नहीं। अब जिस बच्चे को माँ वेलकम नहीं करती, तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो बच्चा तुम्हारी ताबेदारी करेगा? ये है जो मैं तालीम देना चाहता हूँ दुनिया को, जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ अवतार लेकर। काश जितने गुरु हैं, जितने मजहब हैं, अगर ये जीवों को सच्चाई की तालीम देते तो इनकी जिंदगियां बदल जाती। ये लोग तो सिर्फ नाम 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 का अधिकारी है कौन? नाम का अधिकारी है कौन मुझे बताओ तो सही। ये तो एक दुनिया में एक दे दिया गया, बीज डाल दिया गया, चलो किसी वक्त किसी। आपने बुलाया मुझसे सत्संग कराने के लिए, कहा अब मैं अपनी आत्मा को साफ रख के सत्संग करा जाना चाहता हूँ, आपकी मर्जी हो, सुनना हो सुनो, नहीं तो चले जाओ। आपका जी चाहे उस पर अमल करो, आपका जी चाहे उस पर अमल ना करो, आपका जी चाहता मेरी को किताब पढ़ो, आपका जी चाहता मेरी को किताब ना पढ़ो, आपका जी चाहता चार पैसे मंदिर में भेजो, आपका जी चाहता मत भेजो। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा तो काम क्रोध लोभ मोह, अगर तुम क्रोध छोड़ दोगे जाओगे कहाँ? आप समझ गए मेरी बात को कि नहीं? इसका जैसा योग व्यवहार करना सीखो। हमेशा मेरे पास, अब देखो एक शख्स है उसके पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे रखने के बाद भी वो भोग करता रहता है, वो मुजरम है। औरतें सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए हैं, न कि विषय कमाने के लिए। जो आदमी, तुम देखो कोई जानवर ऐसा नहीं जो फीमेल हो, वक्त के पहले ना वो मादा नर को नजदीक नहीं आने देता और ना नर मादा के नजदीक जाता है, मगर एक इंसान है जो ना सुबह देखता है ना शाम देखता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, और फिर ये उम्मीद करता है कि मेरा अभ्यास बन जाए। अभ्यास कैसे बनेगा? आगे पढ़ो। धोती नेती वस्ती पाओ, आसन पद्म जुगद से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। मूल अभ्यास का क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तुम्हारे काबू में रहे। जरूरत के वक्त काम की भी जरूरत है, जरूरत के वक्त क्रोध की भी जरूरत है, जरूरत के वक्त लोभ की भी जरूरत है, जरूरत के वक्त मोह की, मगर इनमें फंसो नहीं और फिर ज्ञान के घोड़े पर सवार हो जाओ। ये तो कबीर को पता होगा कौन सा ज्ञान वो दुनिया को देता है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। जो ज्ञान मैंने सीखा वो बताता हूँ।
जब से मुझे ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो जो कुछ भी मेरे अंदर में संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, मैं जानता हूं कि उनमें असलियत नहीं है, ये सिर्फ सजेशन एंड इम्प्रेशन है। कभी जब मैं इस ज्ञान को भूल जाता हूं तो मैं भी फंस जाता हूं। मैं ज्ञान खोड़े असवार ये समझता हूं, क्यों? जब से मुझे ये पता लगा, आगे अभ्यास मेरा बनता भी था, फिर गिरता भी था, बनता भी था, गिरता भी था। अब मैं गिरता नहीं जागृत में, क्यों नहीं गिरता? मैं मन के अंदर जो संकल्प उठता है किसी वक्त, उसको मैं समझता हूं ये तो है ही नहीं, माया है, नहीं समझ में आती है, मैं इसको ज्ञान समझता हूं। काश अगर कबीर होता तो मैं उसको पूछता, फिर तू बता तेरा ज्ञान क्या है, मुझे नहीं पता। जो जिस ज्ञान ने मुझको उस मंजिल तक पहुंचाया, वो उस मंजिल तक मैं ठहर नहीं सकता अभी तक, मगर बात मैंने सच्चाई बता दी। इस वास्ते नौजवान आदमी मेरे पास आते हैं, अभ्यासी मर्द आते हैं, मैं उनको कहा करता हूँ, लिव एट दी डिजायर ऑफ योर वाइफ। अगर औरतें आती हैं उनको कहता हूँ लिव एट दी डिजायर ऑफ योर हस्बैंड। चूंकि तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है, तुमको उसके जमे कोई पाप नहीं। अब आप मेरे भाव को आपने समझे नहीं समझा? क्योंकि तुम्हारी अपनी ख्वाहिश नहीं है, इसलिए तुम्हारे पर कोई पाप नहीं। ठीक। अगर अपनी ख्वाहिश रखोगे तो गलती है। आगे मूल कमल दर चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तैरो पाथानो, रिद सिद्ध चमर ढुलारा है। ये खट चक्रों का हाल है जी। ये खट चक्रों का हाल है जी। ये जिस्म जो है ये मन की नकल है, मन जो है ये आत्मा की नकल है। आप समझिए मेरे भाव को कि नहीं? इसी तरह से ये सब छाया है, ये सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब परसे जावागे। स्वाद चकर खट दल बिस्तारो, ब्रह्म सवित्री रूप निहारो, उलट नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। एक शब्द तो यहाँ ओंकारा है, एक शब्द यहाँ ओंकारा है, उसकी नकल है ना? नकल है। अब आप समझिए मतलब मेरा, नहीं वो सीधा प्रतिबिंब। मैं आपको संक्षेप से बताता हूं, हर एक चीज की तीन हालतें हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जिस्म की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तो आप जानते ही हैं जी। मन की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, सहस्र कवल मन की जागृत, त्रिकुटी मन का स्वप्न, सुन मन की महा की नींद, गहरी नींद की आ रही है। आप समझते मैं मरी? आगे आत्मा, भंवर गुफा मन की जागृत की अवस्था, सत स्वप्न की अवस्था, अलख गहरी नींद की अवस्था। इनसे परे तुम्हारा अपना स्वरूप है, निज स्वरूप जिसको कहते हैं, निज अनुभव जिसको कहते हैं, अपने सेल्फ की कॉन्शियसनेस का सुपर मोस्ट कॉन्शियस का नाम है। यही स्वामी जी ने लिखा है, जग जागृत बहु दुख मूल, सुपना भी है त्रिशूल, सुषुप्ति घर कुछ कुछ आराम, ये भी नहीं है ठहरन धाम। तब वो कहते मैं सोच करी अति भारी, कोई कर ऐसे शब्द हैं, तब सदगुर आन संभारी, उससे भी आगे गाया, उससे भी आगे बताया, उससे भी पार दिखाया, ऐसे ऐसे शब्द आपने वाणी में पढ़े हैं ना, यही धाम ने धाम कर रखा, उसको गुण बराबर ना आएंगे वो। ठीक। आप समझिए मेरी भाव को कि नहीं है? तो इन दर्जों से गुजरने के लिए जिन्होंने घर पहुंचना है, संतों ने खट चक्रों का साधन बंद कर दिया। मगर खट चक्र का साधन दुनिया की जिंदगी, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, जिस्म के लिए बहुत जरूरी है।
अब आप मेरे भाव को समझे ना, तुम्हारा शरीर है, अगर तुम व्यायाम नहीं करोगे किसी हद तक तुम्हारा शरीर स्पर्श नहीं रह सकता। इस वास्ते इसको ज्यादा तरजीह ना देते हुए अपने जिस्म को ठीक रखने के लिए व्यायाम या हठ योग जो कुछ भी आदमी करना चाहता है वो जरूर करे। आगे पढ़ते जाओ। नाभि अष्ट कमल दल साजा सेत सिंहासन विष्णु बिराजा। अब देखो यहाँ तो सेत सिंहासन विष्णु बराबर कह दिया, वहाँ ऊपर क्या है? सेत सिंहासन छत्र बिराजे। हाँ जी, बात ये उसका अक्ष है। ठीक है जी, अब समझिए मैं, ये उसका अक्ष है। ठीक, आगे रंग चापता सुमुख गाजा लक्ष्मी शिवाधारा है द्वादश कमल हृदय के माहे जंग गौर शिव ध्यान लगाई सोहंग शब्द ता धुन चाई गान करें जय जयकारा है। सुमन एक यहाँ है एक ऊपर है, नहीं समझ में आती है आपके? नकल है जी, उसकी नक्श नकल है। ये बेचारे क्या समझेंगे, आप चूंकि समझदार हैं इसलिए आपको सत्संग करा रहा हूँ। शर्मा जी ने कहा था कि मुझे अंतर का हाल बता दो, मैंने आपको बता दिया कि जब तक आपका इखलाक ठीक नहीं है। ये बड़े प्रेमी सत्संगी है जी, बहुत प्रेमी सत्संगी, सत्संगियों से प्रेम करने वाला प्रेमी सत्संगी नहीं है। लोगों को रोटियां खिलाने वाला, 50-50 आदमियों को सत्संग में रोटी खाने वाला प्रेमी सत्संगी किसे कहते हैं? जो सत के साथ संग रखता है। मेरी उम्र गुजर गई सत को छूटते छूटते। सत ये वो है जो हमेशा रहता है, कमी कम बेश नहीं होता। तुम्हारा शरीर हमेशा नहीं रह सकता, इस वास्ते ये सत नहीं है। तुम्हारे मन के ख्यालात हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, इस वास्ते वो सत नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा होता है वो हमेशा नहीं रहता, इस वास्ते वो सत नहीं है। तुम्हारे अंदर शब्द पैदा होता है वो भी 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रहता, वो भी सत। कौन चीज है वो जो तुम्हारे अंदर शब्द को सुनती है और प्रकाश को देखती है और मन को अंदर रहती मन के अंदर देखती है और जो जिसम में रहती हुई जिसम की साक्षी है, उसका नाम है सत। जो अपने जात में अपने आप में अपने आप अपनी जात से प्रेम करता है उसका नाम सत्संगी है। असली और सच्चा सत्संगी सत कौन है? तुम्हारा अपनी ही जात है। वो चीज सत है जो तुम्हारे अंतर में रहती हुई रूप को देखती है, प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है, अन्य शब्द को सुनती है। वो और चीज है, शब्द और चीज है, प्रकाश और चीज है। जो आदमी अपने ही जात में मालिक को गुरु को अपनी ही जात समझता है, गैर नहीं समझता, वो सत्संगी। मगर वहां तक नहीं पहुंच सकता, इस वास्ते उसको उस अकाल पुरुष को हम गुरु के रूप में मानते हैं। शुरू शुरू में हम गुरु के रूप में उसको पूर्ण मानते हैं। तो जब तक हम गुरु के रूप को पूर्ण मान रहे हैं, वो पूर्ण है या क्या नहीं इसका कोई सवाल नहीं। उसको जब तुम पूर्ण मानते हो, मनने की गत कहीं न जाए, तुम वहां पहुंच जाओगे। तुम्हारा गुरु पूर्ण नहीं भी है, कुछ भी करता है, अगर तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर अटल है, तुम उसको पूर्ण मानते हो, तुम पहुंच जाओगे। किस तरह से? इस तरह एक औरत है, वो खैर बदमाश है, खैर लड़ाकी है, खैर जो कुछ भी कर दिया, मगर जो उसका बच्चा है वो उसको माँ समझता है। जब वो उसको माँ समझेगा, उसके दिल में कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो वो चूंकि उसका यकीन है कि वो औरत माँ है, हालांकि वो माँ शायद दुराचारिणी हो, माँ शायद क्रोधन हो, माँ शायद लोभन हो, मगर उसका चूंकि विश्वास है कि वो माँ है, उसके दिल का भाव और होगा।
दूसरा उसी औरत को बहन समझता उसकी उसका भाव और होगा, तीसरा उसी औरत को अपनी औरत समझता उसका भाव और होगा। तो ये जितना खेल है सब तुम्हारे अपने विश्वास का है, इस वास्ते बाहरले गुरु की संगत जो है उसको पूरा मान लेना ही सच। बाजे वक्त ऐसा होता है गुरु अगर अधूरा भी है, चेला अगर सच्चा और पूरा है उसका ख्याल गुरु को भी पूर्ण कर देगा। कबीर साहब की मिसाल है जी, रामानंद जी। हाँ कबीर साहब लेके गए रामानंद। हाँ मैं आपको बताता हूँ, एक प्यारा चंद है वो मेरे पास आया था, वहाँ वो एक कबीर पंथी के पंथ मठ में गया, वहाँ एक और बड़ी मस्त रहती थी, बड़ी आनंद में रहती थी, और उसको मिला उनका माता जी किसी की नाम जब दियो उनके महाराज, मैंने तो गोरा ने नाम देते है बकरी की तीन टांग, मैं जपनी है बकरी की तीन टांग, बकरी की तीन टांग, बकरी की तीन टांग। अब वो बड़ा हैरान हुआ, उसने उस मन से पूछा, उन्होंने कहा मैं ही कर रहा रोज मैं तंग कर दी, मैं नाम दो नाम दो, मैं एक दिन गुस्से जा गया, मैं कह जा नाम नाम बकरी की तीन टांग। अब उसका विश्वास था वो बकरी की तीन टांग करते करते यही गुरु गोविंद सिंह साहब का वक्त है, घोड़े चले जाते सर भाई बेला आया उन्हें नाम मंगया, उन्होंने कहा भाई बेलिया ना देखे वक्त ना देखे बेला, उसने उनके इन लफ्जों को ही समझ लिया भाई बेलिया ना देखे वक्त ना देखा बेला, उधर की हार गया। ये जितना खेल है सब तुम्हारे विश्वास का है, मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा, मुझको पूजने से मुझको सोने से तोल देने से मुझको कपड़े देने से मुझको मत्था देखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये हमारा सोशल लॉ है, हमारी सोसाइटी सब बता। अब यहाँ तो ये सब बताए कहा मत्था देखने, मैं अमेरिका गया अंग्रेज जाने तो तीमिया ने मेरे मुंह चुम चुम गलें सारी हम पर उनका रवाज ये है, वो इज्जत इस बात में समझते हैं कि किसी का मुंह चूमा जाए इसका मतलब है कि वो उसकी इज्जत करता है। नहीं तो आपकी समझ में आई, मैं गया हूँ ना वहाँ 2000 कम से कम मुझे गुरु मानते हैं मर्द, और वो जेरी भी आवे चलने लगे जफी पाए मेरे मुंह चुमे, जेरी भी आवे आदमी आवे था जे जनानी आवे था मेरा मुंह चुमे। अब ये उनका उनका है सभ्यता है, हमारी ये सभ्यता नहीं है, हमारे हिंदुस्तानियों की ये सभ्यता नहीं है, हमारे तो हाथ बांध के माध्यम जैसे पैरी पौना कह देने हैं या सर सिर या कार कह देने हैं या रास्ते में कह देने हैं या नमस्ते कह देने, तो ये सभ्यता है, इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ, समझ गए मेरी बात को कि नहीं। तो जब ये दर्जे पास हो जाते हैं खट चक्कर, संतों ने खट चक्करों का निषेध कर दिया, तो वक्त को जाया करना है, खट चक्करों का साधन करने वाला अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर से जो गलाफ है जिस्म का ये दूर नहीं होता। फिर उन्होंने मन का साधन बनाया शुरू से, यहाँ से शुरू करो बजाय गुदा के चक्कर से चलने से, यहाँ से शुरू करो आगे पढ़ो। हाँ द्वादश कमल हृदय के माई जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहंग शब्द ता धुन चाई गन करें जय जय कारा है। अब मैंने तुमको बोला कि ये खट चक्कर में सोहंग है और हमारे यहाँ सोहंग यहाँ है, वो ये उसकी नकल है, नकल है। आगे दो दल कमल कंठ के माहे ते मद बसे अविद्या माई, हरि हर ब्रह्मा चमर ढुराई जय श्रृंग नाम उचारा है। जो जहाँ साधन करते हैं उनको इस किस्म के शब्द सुनाई देते हैं। आगे मैंने नहीं सुने क्योंकि मैंने साधन यहाँ से शुरू किया। आगे ता पर कंज कमल है भाई बग बोरा दो रूप लिखाए, निज मन करत था ठकुराए सो नैनन छिपवारा है।
मैंने नहीं सुने क्योंकि मैंने शादी नहीं जहाँ से शुरू किया आगे। ता पर कंज कमल है भाई, बग बोरा दो रूप लिखाए, निज मन करत था ठकुराए, सो नैनन छिपवारा है। ये था है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अब ऐसा वक्त आ रहा है कि इस मन के चक्कर की भी साधन करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर से शुरू करो, क्यों जरूरत नहीं। मैंने तजर्बा किया कि ये जो कुछ भी तुमको यहाँ से यहाँ तक नजर आता है ये क्या है, मन का खेल है। जिस किस्म का संस्कार तुम्हारे मन पर पड़ा हुआ है उस किस्म का संस्कार तुम्हारे अभ्यास के अंतर या स्वप्न के अंतर या समाधि वगैरह तुमको नजर आएगा। तुम हिंदू हो, मुसलमान भी अभ्यास करते हैं, हिंदू भी करते हैं, क्या किसी हिंदू को अभ्यास करते हुए अंदर में हजरत मोहम्मद नजर आया है या हजरत अली नजर आया है? क्या किसी मुसलमान को करते हुए राम नजर आया है, कृष्ण नजर आया है? आप समझ रहे मेरी बात को? विश्वास नहीं। जिस किस्म का प्रकृति किसी की बनी हुई है, जिस किस्म की उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर से उसका दिमाग बना हुआ है, जिस किस्म के ग्रहों के असरात से उसकी पैदाइश हुई है, उस किस्म के संस्कार आएंगे। जो जिनके जन्म लगन में सूरज है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, या अच्छे जनों घर में है, वो ज्यादा अभ्यास उनके अंदर प्रकाश पैदा होकर, जिनके अंदर ये नहीं है उनके अंदर जो मर्जी करो कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर में जो कुछ भी ब्रेन जिस किरणों की सियारों और किरणों से तुम्हारा ब्रेन बना हुआ है वो चीज तुमको मिलेगी। मगर अगर फर्ज करो किसी को सारी चीजें नहीं मिलती तो इसके ये मायने नहीं है कि वो आवागमन से नहीं बच सकता, झूठ है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी को 6 साल डॉक्टरी मुर्दे चीरने पड़ते हैं। उसने मुर्दे चीरे, मेहनत की, हम बीमार थे, हम गए डॉक्टर के पास, ना मेहनत की ना कुछ, मेहनत की उसने दवाई बताई, तरकीब बता दी, हम राजी हो गए। रेडियो और ट्रांसिस्टर बनाने वालों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब है क्या, आपने ये रखा वगैरह सामने, सब सुन रहे हो, आपने को मेहनत की, कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की, नहीं समझ में आती है कोई जरूरत। ये तो खास खास दिमाग वाले होते हैं जो डॉक्टर बनने के काबिल होते हैं या साइंस बनाने के काबिल होते हैं, जो सारे दर्जे पास करने वाले के होते हैं। जिस तरह से रेडियो या ट्रांसमिशन बनाने वाले ने तो 30 साल या 35 साल अपनी उम्र जाया कर ली, मगर उसने बना के हमारे सामने रख दिया और हमको अब उस वही फायदा उसने उठाया, वही फायदा हम उठा रहे हैं। इस वास्ते संतों के सत्संग में जो गुरु कहता है उसको मानो। सिर्फ इस मन को कंट्रोल करना है ताकि तुम्हारे मन में गलत ख्यालात न पैदा हो, तुम्हारी वासनाएं ठीक हो, तुम्हारे दिल में प्रेम और मोहब्बत हो। प्रेम और मोहब्बत फकीर चंद से नहीं, प्रेम और मोहब्बत बाबा सावन सिंह से नहीं, प्रेम और मोहब्बत उस मालिक से। तो अगर बाबा सावन सिंह या फकीर चंद से प्रेम करते हो, अगर फकीर चंद से प्रेम करते रहोगे, मस्त राम का पुत्र है फकीर चंद, मस्त राम का पुत्र है, या फलाना गुरु ब्यास का है या आगरे का है या लखनऊ का है, तो तुम आखिरी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद, गुरु किया है देह को सदगुरु चीना न, कहे कबीर ता दास को तीन ता ब्रह्मा। फिर तुमको गुरु कोई अजमत नहीं, गुरु की जितनी अजमत है वो बाहरे गुरु की अजमत है, जो तुमको अपने सत्संग में बैठा कर तुम
वचन कहता है और तुम्हारे भ्रमों और शंकाओं को दूर करता है। इस वास्ते सबसे पहले सर्गन स्वरूप जो बाहर का गुरु है उसकी इज्जत और उसका मान है। क्या कहा, मेरी बात को समझ रहे हैं? यह ना समझना मैं बाहर के गुरु की खंडन कर रहा हूँ। बगैर बाहर के गुरु के कोई आदमी कुछ नहीं बन सकता। तुम बच्चा पैदा करती हो, अगर उसके साथ बातें ना करो, उसके साथ प्रेम से बातें ना करो, वो बोलना सीखेगा? तुम बताओ, बोलना सीखेगा तो मुझे बताओ, बोल नहीं सकता। तो पहले गुरु तो माँ है बच्चे की। जब बच्चा पेट में होता है, जो कुछ माँ सोचती है वो संस्कार जाता है उसके पेट में, वो संस्कार जाता है। और फिर जो छूता है उसको पहली दफा बच्चे को, उसका संस्कार जाता है। फिर जिस जिस किस्म के वातावरण में बच्चा पढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो संस्कार दिया जाता है। इस वास्ते पूरे गुरु का संस्कार जो है वो इंसान के वहमों को दूर करके उसको बाहर मुखी से अंदर मुखी कर देता है। ये स्वामी जी ने कहा, एकांत से भीड़ से एकांत लाऊं मैं, ऐसी वाणी हमें याद नहीं, भीड़ से एकांत लाऊं मैं। भीड़ के क्या मैंने, मन के अंदर तरह तरह के जज्बात ख्यालात भाव उठते रहते हैं, उसे हटा करके एकांत में ये नहीं एक कर दूं। यह है सारा सारा मतलब इसका। आगे कमल न भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा, सतसंग कर सतगुर सिर धारा, वह सतनाम उचारा है। दादा ये खर चक्रों का बयान है, इससे आगे सतगुरु को सिर धारण करो। सतगुरु एक तो गुरु स्वरूप है, सतगुरु ये तुम्हारा जो गुरु स्वरूप है ये तुम्हारा महासुन तक जाएगा। ये सदगुरु स्वरूप जो तुम अपने गुरु का रूप ध्यान करते हो, ये तुमको महासुन तक पहुंचाएगा। आगे जो सदगुरु है महासुन से आगे, वो प्रकाश और शब्द और अनुभव और ज्ञान है। यही बाबा सावन सिंह कहा करते थे, दस द्वारे लिंगो तो अगे सदगुरु खड़ोता है। दुनिया ने यह समझा कि दसा द्वारे आगे बाबा सावन सिंह दाढ़ी वाला या पगड़ी वाला खड़ोता है, यह गलत है। क्यों कहता हूँ गलत? एक रामदासिया, मैं सत्संग करा रहा था होशियारपुर, दौड़ा हुआ वहाँ से आया, दौड़ा मेरे पास आया, जाके जबकि पारी मेरे पांव पर होने लगा। मैंने उनको हौसला दिया, मैंने कहा क्या बात है? उनके बाबा जी किसी महात्मा को नाम लिया जी, आज 6 महीने हुए मैं अपने अंदर गया, एक तालाब सी पर आया पानी का, उदे उते चंद चमकदा सी बतखां रख दिया सन, ते मैं उते फिरदा सी, एक मैं महात्मा मिलिया, उसने कहा जी अगे जाना है तो मेरे को आ जा। मैं उस महात्मा लगता फिरना, आगे गया, ब्यास गया, फ्रेंजा गया, वो आदमी मैं नज़र नहीं आया। तो मैं कई सत्संगियों ने पूछा, वो कहने भाई सन का पता नहीं की गल है, अज किसी तुरा ना लिया, तुम बैठे साओ, तुम साओ जिन्होंने मैं आख्या। अब मैं अपनी आत्मा से ब्राह्मी के जाया हूँ, अगले अगे गुरुवाई हूँ, 4 दिन की जिंदगी वास्ते कौन झूठ बोला? मैंने तो पता नहीं है कौन, ना मैं गया ना मैं पता। चूंकि उनको ये ख्याल मिला हुआ है कि सुन में उस तालाब होता है, वहाँ बतके होती हैं, वहाँ चांद की रोशनी होती है, वो जो सजेशन मिला हुआ है उनको, जिस वक्त वो अभ्यास करते हैं उनके अंदर वो सजेशन वो पैदा होता है। असली सुन क्या है? जहाँ मन संकल्प नहीं करता। आप समझे ना, जब मन अमन हो जाता है वहाँ अंधेरा हो जाता है, मन चित्त बुद्ध अहंकार फंक्शन नहीं करते। तो यहाँ तक हर एक आदमी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि हमारे मन के अंदर लालच है, आस है। इस वास्ते हम लोग अपने गुरु से बातें करते रहते हैं अंतर में। वो बातें होती हैं जो इनका जवाब मिलता है, ये बाहर का गुरु नहीं देता।
जिस किस्म का तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे ख्याल है, विचार है तुम्हारा, वो तुम्हारे अंदर फुलता है। ये मैं क्यों कहता हूं, मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, मेरे तो गुरु सत्संगी है, गणेश नामी एक सत्संगी है मध्य प्रदेश, मैं उस वे तो जानते नहीं। कहना बाबा जी मैं खेती के ऊपर रात में चौक तैयार करने वास्ते मकान बनाई हुई है, सवेरे 4 बजे अभ्यास कर बैठा, एक बड़ा भाड़ा को 5-6 मील चौड़ा सब एक चंद नजर आया, वो चंद तो देवता निकल रहे सन, उसके बिचों तुसी आए देवता ने चीर दिए गए, मेरी बाँह फरी कह चल तेन सवेती दर्शन कराए। अगे रह गए सूरज दे रोशनी दे दरख्त, रोशनी दे आदमी, रोशनी दे मकान, उतो गुजरते अगे एक रोशनी का दरिया, उसे मैंने नवाया, कहने का ठहर आज तेरा वक्त नहीं आया, उसे मैंने लिखा। हूँ देखो सरदार जी, मैं तुम मैं दसो कि क्या मैं अपनी आत्मा को पसंद हक नहीं रखता, बिचू गया सी, मैं तो जानता नहीं। इन्हें तजर्बे ने मैंने दसिया कि संदर कमर तो लगा के महान सुन तक जितने दर्जे हैं ये सिर्फ तुम्हारे अपने मन के हैं। संदर कमर में चिकुटी वाद अनेक वाद है, तुम्हारे मन से अनेक किस्म के खैरात उठते रहते हैं, इसलिए सिमरन किया करो अजप्पा जाप। अजप्पा जाप से मन बहुत ही विचार छलने करने बंद कर देगा। फिर ध्यान कीता करो, मन संकल्प नहीं करेगा। फिर प्रकाश में देखो, फिर तुम्हारा मन जिसम भूल जाओगे। मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं रोंदा हूं चार दाता लिखी चिट्ठियां, तुसा मन वकील बनाता, किताबा च बसेरा को लिख देता, मेरे च ऐ नुक्स है, मेरे च ऐ नुक्स है, मेरे च ऐ नुक्स है, अभी दुनिया की इच्छाएं तुम्हारे में बाकी हैं। इस बार से होता है तो जब से मुझे ये पता लगा तो मैं किसी के अंदर नहीं जाता, अब मैं मन को छोड़ जाता हूं। अब मेरे भाव को समझा ना, अब मुझे मन तंग नहीं करता सुबह सपने के, सच्ची बात आपको बोलूं, सपना मुझे आता है रेलगाड़ी तार माँ प्यो भोटी पुत कहीं कहीं परा, एक चीजा मैंने जरूर आनी है, मगर मंदिर तुसी लोग सत्संगी कभी नहीं आए, या सुपने च अभ्यास करता हूं या सुपने च, क्यों क्यों जितना काम मैं कीता सी अपनी जाती पेट भूखे दे वास्ते कीता सी, ए जेड़ा मैं मेरा काम है ये मेरा जाती नहीं है, मैनू इस ना कोई तलक नहीं, इस वाई है कोई संकल्प मेरे से नहीं, तो वो अभ्यास वो कर सकता है जिसको जो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाबी निशानी है, सुरद शब्द सागर तरिए नानक नाम बखानी है। ये चीज उसके हिस्से में आती है, हर एक आदमी इसको हिस्से में नहीं कर सकता। अगर सत्संग को अच्छा मिल जाए तो 100 वर्ष की इबादत से 2.5 घड़ी का सत्संग बेहतर है। मैं अपनी नीयत से वो सत्संग देता हूँ जो 100 वर्ष की इबादत से 2.5 घड़ी का सत्संग हो, मगर आप लोग औरतें मेरे सत्संग को समझ नहीं सकती, अगर समझ भी जाओ तो आप अमल नहीं कर सकती क्योंकि आपका वक्त नहीं। ये नाम दान जो है ये सिर्फ हर एक शख्स को नहीं मिल रहा है, अरबे पे तो सारे पढ़ाई जाती है, ये तो 50-55 साल के बाद अभ्यास करना चाहिए जोर से। पहले लेक बनो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, अपने फर्ज को पूरा करो, गृहस्थी हो गृहस्थ में जितनी औलाद पैदा करना चाहते हो उतनी करो, जितने को तुम संभाल सकते हो, खुद रहो। जो औलाद आजकल की पैदा हो रही है ये कभी फायदेमंद नहीं होती, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ क्या वक्त क्या हो गया ये बताओ। 10:28 कितने बजे शुरू की था जी? 9:20 बजे 10:30 हो चुके, सवा घंटा हो गया, तो मैं सवा घंटे तुम बहुत कुछ कह चलिया, मालिक मानी तौफीक दे एक करी मैं फिर आवा तो बाकी कसी भी तुम्हारा कट जावा।
सुना सीखी है, जितनी जितनी बात समझी है उतनी करो। मेरी जियो, मेरे बच्चों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाओं, अच्छी संतान पैदा करो। आप समझ जाए, जीवन विषय विकार के लिए नहीं है। सबसे मैं गया अमेरिका में, वहां मैंने यही कहा कि तुम में अशांति है, तुम सेक्सी हो ज्यादा। ये मेरी अपनी जिंदगी का तजर्बा है ना, शायद मैं गलत हुआ। मेरे पास कई नौजवान आते, कोई कहना बाबा जी शांत हाँ, कोई कहना जी मैनू है तकलीफ है, कोई कहना मैनू है तकलीफ है, मैं जानना की तकलीफ है। 100 में 75% ऐसे नौजवान बच्चे जोड़े आते हैं जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य खोया है। इस वजह से सबसे पहली जरूरी बात यह है कि इंसान अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को ठीक रखे, और कम से कम छोटी उम्र में बिल्कुल शादी नहीं होनी चाहिए। मगर एक ही छोटी उम्र में शादी तुम ना करो, वो यूं शादी कराता रहता है तो फिर क्या फायदा, इससे बेहतर है उसकी शादी हो जाए। इस वास्ते सबसे पहले अपने इखलाक को ठीक करो। बाकी यह है कि जब 10वां द्वार लग जाए फिर आगे है प्रकाश और शब्द। प्रकाश में रहते हुए प्रकाश को देखो, गुरु के चरण प्रकाश है और गुरु का रूप शब्द है। यही राय साहब साहब ने अपनी बाणी में लिखा, सदगुरु कौन, सदगुरु सिर्फ सतपुरुष शब्द स्वरूपी राजा स्वामी ज्ञान और उनके चरण प्रकाश। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि जीव को उसके हालात के मुताबिक हदायत करके प्रकाश और शब्द तक पहुंचा दे। ये न समझना मैं बाहर के गुरु की ड्यूटी नहीं समझता, बाहर के गुरु की ड्यूटी है। रेडिएशन काम करती है, ह्यूमन बॉडी इज ए रेडियो स्टेशन। इंसान के जिस्म के अंदर से रेडिएशन जाती है। एक हादसा होया, किसी ने कालरा होया, प्लेग हुई है, वो किसी ने बीमारी देंदा, वो जिससे जिससे जाएगा उसे आप खरा जाएंगे, लोग बीमार होंगे। इसी वजह जहाज जब बीमारी हो जाए, जहाज आने नहीं तो 15-15 दिन क्वारंटीन रख देंगे, शायद निशान जान देंगे होंगे। तो ये समझो मेरी गल नू। इसी तरह ही इंसान है, जिस किस्म के उसके खिला, अगर मैं इस खातिर गुरुवाई करना तो मेरा मानदा मंदिर बच जाए, या मेरी मैं को धन लवा तो मेरी संगत को तो लगेगा की लोगे मेरी संगत को, जो कुछ मेरे अंदर है उनको खुल जाएगा। इस वास्ते बार बार क्या गुरु तो पूरा छूट तेरे भले की कम। मैनू अफसोस है कि मैं अज 100% संत नहीं हो सकिया। ये धर्म ना कहना, 85, 90, 91, 92 में जरूर हाँ, मैं भी किसी वे गिर जाना। ये नहीं मैं कहना कि मैं नहीं गिरता, मगर जिस वे गिरना मैं होश आ जाती है कि मैं गलती खा दी है, इसलिए मैं समझ आ जाती है। इसलिए मैं मुकुरदा नहीं, मगर जदू मैं गुरु ने भूल जाना, गुरु ने भूलना कि जदू मैं समझ भूल जाती है, ज्ञान भूल जाता है, उसमें मैं ही फस जाना। तो मैं आज बथेरा को तुम किया, बहुत कुछ किया। एक अभ्यास करने लग दे हो, घर बार रिश्ता सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ। अगर वो ख्याल आते हैं तुम, इसका मतलब है कि तुम्हारे विच प्रेम नहीं है। अगर इस वेले तुम्हारा चीफ मिनिस्टर इतों का आ जाए तुम्हारे सामने, किसी इन्हें दुकानदारों के सामने ब्रिटिश का, तो तुम सामने खड़ो कुछ सोच सकते हो, तुम यही सोचोगे ना ये की कहना। तो जे असी गुरु को अपने अंदर समझने हाँ, तो जे अंदर जाने सारा मन दौड़ता है, तो मतलब है सारे मन के विचकार गुरु जी कोई इज्जत नहीं, कोई गुरु का भाव नहीं है, असी बेअदब हाँ। अदब नाल अभ्यास करो, भावा अद्धा घंटा करो, जिन्ना चिर समझो एक जगह अपनी बना लो, एक जगह शुरू शुरू सवेर के वक्त उठे सवाए अभ्यास से होर कुछ नहीं करना, कोई कम गृहस्थता नहीं करना, कोई होर ख्याल नहीं दुराना, उठे बैठो रोज अभ्यास किया करो बिना नहा। एक दिन का कम नहीं, मैं 1900 क्या नाम है 5 लगे हुए हाँ,
आज मैं चबर चबर गला करना फिर भी किसी वजह मैं गिर जाना, समझो ना वक्त बहुत हो गया है। मैं ओ जगदीश से नहीं आया आज जी, वो आया स्टेशन पे, टेलीफोन आया सो है स्टेशन से, टेलीफोन जी आया हुआ है स्टेशन तो, टेलीफोन आया सीगा उठो ह्यूस्टन तो, एथो लंदन से आया हुआ है, टेलीफोन आई है। हां जी लंदन च हजूर आए हुए है, तुम उनको उठे पहुंच जाए। उन्होंने मैं किया कि इधर नाग स्टेशन है का, स्टेशन तो नाल ही है, टेलीफोन करेगा मैं तुम्हें जाके ले आऊंगा, जाके ले आओ। हाले टेलीफोन नहीं आया मगर है, हाले टेलीफोन नहीं आया, टेलीफोन नहीं आया। वो स्टेशन ते उठे पहुंचने वाले ही है जिथों इन्होंने उन्होंने लैन जाना, वो कहते मैं टेलीफोन कर दूंगा, टेलीफोन करे तू जाके ले आओ। तो मैं आज तुम्हें बहुत कुछ कह देता, हो सकता है दोस्तों तुसी मेरी भैना हो भरा हो बच्चे हो, मैं शायद जो कुछ मैं समझा हो सारा हलत हो, मैं कन्या तौबा करना, मैं कोई दावा नहीं, मैं प्रण किया से अपना अनुभव कह जाऊंगा। दादा दयाल ने किया सी तालीम बदल जाए, बाबा सावन सिंह ने किया सी निर्भयाओं के कम का या फकीर चंद मैं तेरी पुश्ती बना रहा। अगर फर्ज करो मैं गलत हाँ, जो कुछ मैं समझा अगर मैं गलत हाँ, तो ये जिम्मेवार या मेरे गुरु महाराज हैं या बाबा सावन सिंह हैं, क्यों मैनू ना काम देता, मैनू अपनी जाति गलत है कोई है नहीं, तो मैनू अपनी जाति गलत है। मंदिर में रूप बनाया मैं उन्होंने कहना ना भाई चले गए चले ना समझे आगे लगे, मैं कोई ठेकेदार हाँ कि कर्जा थोड़ा देना भी मैं जरूरी अस्पताल खोलना उसे, मैं जिम्मेवार नहीं हाँ, अस्पताल तो ता खुले महाराज क्योंकि गवर्नमेंट का कानून है जितना पैसा आंदा 80% या 85% उससे साल खर्च करना पौधा है, नहीं तो गवर्नमेंट ले जानी है। इस वास्ते मजबूरन होके कुछ रौनक वास्ते भी कुछ लोगों ने पहले वास्ते भी जे 4 पैसे ज्यादा आए मैं अस्पताल खोलिया, हूँ वकील जन फसया बिच माया के जाल बिच, तुम सच्ची गल कह रहे झूठ की है मगर माया जी परवाह नहीं करता ना, तुझे आए हो मैं एक जिम्मेवारी महसूस करना बता, मैं पता नहीं मैं गलत किया या ठीक किया मैं नहीं जानू, तेरी मौसी तेन मेरे वास्ते निकलिया जी मैं की पता जी मैं कि जाना संतान ने मारे गया अभी मैं कुरा गया या मैं रात गया मैं पता नहीं, जो मेरी समझ जाया तू जरा गुरु के रूप द्वारा हुक्म दिता मैं कर चल रहा ठीक है, तो मैं पता नहीं झूठ है तो मैं जिम्मेवार नहीं, जो कुछ मेरी समझ आया मैं कह चल रहा, तुम मेरे भराओ मैं नहीं कहना मेरे अकेले को, पर जो कुछ मैं कहना है सच है, अपने अपने गुरुओं में पूछ देखो कि मैं जो कुछ कहना भी मैं कहना सच कहना कि झूठ कहना, जो कहन सच कहना तो मनो ना कोई कहना झूठ कहना ना मनो, चौरा मुख गया कोई लेना नहीं कोई देना नहीं कोई बात नहीं कोई नहीं कोई चौरा नहीं कोई लेना नहीं।